2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जातीय समीकरण, राजभर निषाद और पटेल की तिकड़ी करेगी खेल, पूर्वांचल में तिकड़ी अखिलेश का बिगाड़ेगी गेम, क्या बीजेपी के साथ फिर आएंगे ओपी राजभर। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में लग गई है। बीजेपी की नजर यूपी की सभी सीटों पर है। बीजेपी एक बड़ी रणनीति बना रही है, वो चाहती है कि यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीता जाए। पूर्वांचल में राजभर निषाद और पटेल जाति पर बीजेपी की खास तौर पर नजर है। लोकसभा चुनाव में अभी भले ही 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी एजेंडे और समीकरण सेट किए जा रहे हैं। बीजेपी ने यूपी में अपने प्रदर्शन को दोहराने के लिए ही नहीं बल्कि क्लीन स्वीप का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए पुराने सहयोगियों के साथ साथ ओपी राजभर पर भी बीजेपी की नजर गड़ गई है। अगर ये तीनों दल बीजेपी के साथ आ गए तो पूर्वांचल में सपा के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। चाहे वो ओपी राजभर हो, निषाद हो या फिर पटेल, ये तिकड़ी बिगाड़ देगी सपा का खेल। कैसे, अब वो भी समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 की सियासी तपिश बढ़ाने के साथ ही यूपी में बीजेपी और ओपी राजभर के रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही राजभर ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, लेकिन 2024 में ओपी राजभर बीजेपी के करीब आ रहे हैं। राजभर ने सीएम योगी से मुलाकात के बाद साफ संकेत दे दिए कि बीजेपी और सुभाषपा फिर से आपस में हाथ मिला सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पूर्वांचल के सियासी रण में अखिलेश यादव के लिए सियासी वजूद को बचा पाना मुश्किल होगा। यूपी में भर राजभर जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर जिस तरह से योगी सरकार और राजभर के बीच सहमति का दावा किया जा रहा है, उससे संभावना दिखाई दे रही है कि दोनों हाथ मिला सकते हैं। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की सक्रियता को देखते हुए बीजेपी भी 2024 को लेकर यूपी में अभी से ही अपने सियासी ताने बाने को बुनने में जुटी है। दरअसल इसकी सियासी वजह भी दिलचस्प है। बीजेपी यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों में से 75 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है, जिसे हर हाल में हासिल करने के लिए बीजेपी अभी से सियासी समीकरण बनाने का काम कर रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने मंत्रियों को जमीनी स्तर पर काम करने का जिम्मा दे रखा है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक जिलों पर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। वहीं सपा के नेता तोड़ने के बाद ओम प्रकाश राजभर यूपी में एक मजबूत सहारा तलाश रहे हैं, और वो सहारा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी ही दिखाई देती है, क्योंकि सपा से रिश्ते बिगड़ चुके हैं और बीएसपी उनके लिए अपना दरवाजा खोल नहीं रही। बीजेपी को भी पूर्वांचल में अपने सियासी आधार को मजबूत बनाए रखने के लिए ओम प्रकाश राजभर का साथ चाहिए। इस तरह से दोनों ही दल एक दूसरे में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। सपा के लिए राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है अगर दोनों ने हाथ मिला लिया तो। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पूर्वांचल की सियासत अभी भी जातियों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी के साथ मिलकर सत्ता वापसी करने में कामयाब भले ही रही हो, लेकिन राजभर का विपक्षी खेमे के साथ खड़ा होना पूर्वांचल में बीजेपी को नुकसान दे गया। बीजेपी कई जिलों में खाता तक नहीं खोल सकी थी। इतना ही नहीं, याद कीजिए पूर्वांचल में 2014 में जीती हुई कई लोकसभा सीटें बीजेपी ने 2019 में गवा दी थी, जिसे अब दोबारा से हासिल करने में बीजेपी जुटी हुई है। जहां तक बात बीएसपी की करें, यानी कि मायावती की पार्टी की, तो 2024 को लेकर अभी तक उसने पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरे जातीय आधार वाले दल बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश यादव कैसे पूर्वांचल के सियासी समीकरण को अब मजबूत कर पाएंगे अगर ओपी राजभर, निषाद और अनुप्रिया पटेल साथ आ जाते हैं, तो फिर पूर्वांचल में गेम सपा और बीएसपी का ओवर हो सकता है। वैसे पश्चिम में समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी भी खड़ी है, जिसके दम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर अखिलेश यादव बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल में सियासी जमीन पूरी तरह से अखिलेश यादव के पैरों से खिसक जाएगी। निषाद कुर्मी राजभर के साथ साथ पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों का प्रभाव पूर्वांचल पर है और अच्छा खासा है, और जातियों की बिसात के सहारे ही सियासी दाव खेले जाते हैं। तो सवाल यही कि क्या बीजेपी
कोई बड़ा खेल करने वाली है। क्या निषाद, कुर्मी, राजभर के साथ साथ पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का चक्रव्यूह रचकर अखिलेश को फंसा लेगी? और क्या वाकई में 2024 एक बार फिर से बीजेपी फतह करेगी और पूर्वांचल में खेल और राजभर करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।